अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो सीन कुछ ऐसा है कि आज हम लोग आए काकिया मार्केट। ये काकिया मार्केट जो है, इसका सीन कुछ ऐसा है कि मैं आपको बता दूं कि जो है, जो भी उम्रे पे लोग आते हैं पूरी दुनिया से, इंडोनेशिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी, पूरी दुनिया से, जहाँ से भी आते हैं, तो ये यहाँ पे लोग आते हैं। यहाँ पे चीज़ें जो आपको वो सस्ती मिलती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये शॉप है, यहाँ पे ये घड़ियाँ वगैरह आपको ये बहुत होलसेल रेट में मिलेगी। जैसे हमारे पाकिस्तान कराची में सदर है ना, ये उस तरह का सीन होता है, यहाँ पे होलसेल रेट में मिलेगी। मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे इस तरह की रिंग्स वगैरह आपको मिल जाती हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा सीन होता है ये आपको। अदीबा ये ले लो, चलो। ये भाई इंडोनेशिया के जो है, ये 1,00,000 रुपए हैं। ये इंडोनेशिया करेंसी है, ये 1,00,000 रुपए यहाँ के 20 रियाल हैं साले। पाकिस्तान में इस तरह लेके बंदा घूमे तो वो तो फारिग ही हो जाए। यार ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, ये ना मतलब अपने लाउंज वगैरह में या ड्राइंग रूम में लगाओ ना, ये खाने का हवा के दरवाजे के रखे बहुत प्यारा लगता है। और ये जो शॉप है, ये फुल घड़ियों की शॉप है। ये मतलब वो होलसेल शॉप, यहाँ पे बहुत सस्ती सस्ती मिलती है भाई। ये इस तरह यहाँ पे जो ना होलसेल जानमाज़े वगैरह भी मिल जाती हैं आपको, इस तरह के रग भी मिल जाते हैं जो आप डेकोरेशन पे लगाएं। अच्छा, पाकिस्तान में काफ़ी लोगों से सुना होगा कि हमारे पास खाने काबा का ख़िलाफ़ है, तो वो ये ख़िलाफ़ होता है, यहाँ पे भी मिलता है भाई, ऐसी बात नहीं है। तो वो रियल नहीं होता है, अगर कोई समझे कि रियल है, ऐसा रियल नहीं होता। तो यहाँ पर ये मिलता है इस तरह, ये देखो सेम ऐसी चीज़ होती है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होता है। वो अगर आप समझें कि ओरिजिनल है, आप उसकी ज़ियारत कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये इस तरह मिलता है यहाँ पे, और मदीने में इससे अच्छी और क्वालिटी मिल जाती है आपको। तो बिद्दत ना करें, मैं तो यही बोलूँगा कि भाई ये सिर्फ़ एक कपड़ा है जिसके ऊपर एक बस आयत लिख दी है, ठीक है। आप आयत को चूम लें बेशक, लेकिन आप ये उस थिंकिंग से ना करें कि भाई आप बैतुल्ला का ग़िलाफ़े काबा और आप उस चूम रहे हैं, तो वही गलत है। ये यहाँ पे बच्चों के स्कूल की वाटर बॉटल देखो कैसी होती है, गोल्डन कलर की। स्कूल में लेके जाएगा ना, बच्चे चुराने लगेंगे। बेटा यहाँ का रिवाज ऐसा है, यहाँ पे वो पाकिस्तान वाला सीन नहीं है, यहाँ पे इसी तरह का चलता है, गोल्डन गोल्डन। ये देखो ये ऊँट क्या कहता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ऊँट। मम्मी आपको किसके लिए चाहिए? तुम कर ही नहीं रहे। मैं क्या नहीं रहा? तो मैं कहाँ से बच्चे लेकर आऊँ? मैं तो फिर घर में नहीं आऊँगी, बच्चों के लिए शॉपिंग करती रहेंगे। और क्या भाई, मम्मी को अपने पोते पोतियाँ चाहिए जल्द से जल्द। कैसे वो नहीं पता। मैंने कहा बच्चों के लिए अभी से कार्टन में सामान जमा करेंगे। बच्चों का सामान अभी से जमा होने लगा भाई। अरे यार कब तक दिल मारो भाई। कर ले आप जमा कर ले, आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। पे देखो यार, ये कितनी अच्छी बात है कि अभी ईशा की अजान हुई है, तो यहाँ पे सारी जो दुकानें हैं सब बंद हो गई, बस ये कुछ दुकानें इनकी लाइट्स वगैरह बंद हो गई। ये भी बंद कर रहे हैं शॉप, ये देखें ये भी शॉप बंद है। तो माशाल्लाह ये अच्छी बात है कि यहाँ पे नमाज़ की बड़ी पाबंदी करते हैं ये लोग ना, कुछ भी हो जाए जितने कस्टमर खड़े हैं बोलते हैं खली वली भाई आप बंद करो नमाज़ पहले सब पहले, तो ये बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर माशाल्लाह। बस ये एक बंदा खोल के बैठा हुआ है, ये इस मार्केट का सिक्योरिटी गार्ड है माशाल्लाह। तंदुरुस्ती चेक करें, कहाँ से खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है यहाँ से। वो ऐसी फटा छटा हो गया, हल्का फुल्का था, ज़्यादा फटा नहीं हुआ। सीन ये है कि नमाज़ का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ने जाना, बता रहे हैं ऊपर जाना है, सेकंड फ्लोर पे नमाज़ है, और ये चल भी नहीं रही और देर हो रही है मुझे, और ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर है मस्जिद। ये आ गई थी फाइनली मस्जिद, पहले वजू करेंगे उसके बाद फिर नमाज़। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ पढ़ ली है। ये जो जमात हो रही है ना, यहाँ पे जमातें होती रहती हैं, लोग ये ना समझे कि भाई जमात हो रही है, ये कैसे निकल गए यहाँ पे, ये तीसरी जमात है जो अभी ईशा की हो रही है। अब चलते हैं, यहाँ पे जो मार्केट भी खुल गई होगी, नमाज़ हो गई है, चलते हैं देखते हैं क्या सीन है। चलें जी, मार्केट तो पूरी खुल गई है, बस इन लोगों को ढूंढना है, ये लोग कहाँ हैं, क्योंकि मैं नमाज़ के लिए निकल गया था। अब देखते हैं कहाँ पर हैं, कहाँ मिलेंगे ये लोग। चलो भाई, ये लोग दूर से दिख जाते हैं, हमारी अम्मा की माशाल्लाह हाइट इतनी अच्छी है कि दूर से दिख जाती हैं कि कहाँ खड़ी हुई हैं। मेरे बच्चों की पानी की बोतल मिल गई। तो ये क्या नमाज के लिए है क्या? अच्छा,
लेकिन थोड़ा बड़ा आपको पिन लगानी पड़ेगी इधर। इसी ये कि अब भूख लग रही थी तो अब कुछ बर्गर शर्गर कुछ खाने आए कुछ लिए बन रहा है, बस बर्गर खाते हैं, भूख लग रही है यार। ये मेरा बर्गर। अच्छा जी, सीन कुछ ऐसा है कि उस वाली मार्केट से निकल के अब हम लोग मॉल आए, तो अब मॉल से कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी थी, वहाँ से जो भी किसी के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेने थे वो ले लिए, अब मॉल से देखते हैं कि क्या सीन है। चलो जी भाई ऊपर चलते हैं, कुछ शॉर्ट्स वगैरह दिखे मुझे तो ऊपर चलते हैं देख कर आते हैं। ये रहे शॉर्ट्स की क्वालिटी, क्वालिटी का बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है, ये भी बेकार है। ट्राउज़र की क्वालिटी ला फारिग फारिग फारिग, वो भी फारिग ही होंगे। इनकी क्वालिटी क्या कह रही है, जर्सी ये नहीं फारिग, ये भी फारिग है, मज़ेदार क्वालिटी नहीं है इनकी, है ना, बहुत मोड़ देंगे तो गर्मी में पागल कर देंगे ये भाई। ये सऊदीया में जो है ये लड़कियां इस तरह की मैक्सी पहनती हैं, इस तरह की मैक्सियाँ होती हैं लोगों की। अम्मी आप पहनेंगे इस तरह की मैक्सी? को मेरे ख्याल से ये वाली अच्छी लग रही है। कौन सी वाली? ये वाली पिंक वाली ना, जब इन्होंने इसको हाथ लगाया ये ब्लू वाली भी, ब्लू वाली भी अच्छी लग रही है इनको। काला कल पहनेगा ये पहनना, ये पहनेंगे कैसे मुझे तो समझ में नहीं आ रही। अच्छा नहीं खाला यार वो अच्छी लग रही है, देखो वो वाइट वाली जो है ना, ये लाइट्स बंद कर दी ना जब इतनी को नज़र नहीं आ रही, और ना ये अच्छी लग रही है। हाँ ये वाइट वाली अच्छी लग रही है ना, ये सारी वाइट्स वाली रखी हुई अच्छी लग रही है। ये कौन सी लास्ट वाली? वो काम उसका अजीब सा लग रहा है, ये इनकी वेडिंग मैक्सी लग रही है मुझे, वो कलर्स वाली भी रखी हुई है उधर।